इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। जी हाँ, इन मस्तानी आंखों वाली बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा 62 साल की हो गई है। 10 अक्टूबर 1954 में चेन्नई में जन्मी रेखा के जन्मदिन पर आज हम आपको उनकी जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कहा जाता है कि रेखा के पिता ने उनकी माँ के साथ शादी नहीं की थी। जब तक वो बच्ची थी उन्हें अपने पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रेखा बचपन से ही एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उन्हें बी और सी ग्रेड की फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। रेखा ने तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम से अपने करियर की शुरुआत की। हिंदी न आने की वजह से बॉलीवुड के शुरुआती दिनों में रेखा को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। 1970 से पहले रेखा ने खुद को थोड़ा समय देकर रोजाना व्यायाम और डाइट से खुद को पूरी तरह से बदल डाला और उसके बाद एक सदाबहार ब्यूटी के तौर पर उभरी। अपने फिल्मी करियर के दौरान रेखा का नाम मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, राज बब्बर, अक्षय कुमार जैसे स्टार्स के साथ जोड़ा गया था। रेखा ने मशहूर उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन शादी के एक साल बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। माना जाता है कि इसके पीछे की वजह अमिताभ के साथ रेखा का अफेयर था। ऐसी भी अफवाहें थी कि रेखा ने गुपचुप तरीके से विनोद मेहरा से शादी की थी, लेकिन रेखा ने कभी इस बात को नहीं स्वीकारा। फिल्म उमराव जान के लिए रेखा को राष्ट्र पुरस्कार भी मिला था। रेखा ने कहा था कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनके अंदर भी एक उमराव जान है। बेशक रेखा ने दोबारा शादी नहीं की, लेकिन उनकी मांग का सिंदूर हमेशा सुर्खियों में रहता है कि आखिर रेखा किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है। जनसत्ता की पूरी टीम की तरफ से रेखा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।